खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एलिवेटेड रोड बनवाएंगे। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कानपुर के लिए अब एक या दो घंटे का समय नहीं लगेगा, बल्कि 45 मिनट में ही यह दूरी तय हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल लखनऊ आउटर रिंग रोड से जोड़कर इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अलग नया एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है, जिससे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी में कहीं भी ट्रैफिक नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ कानपुर के बीच 63 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट होगा, जिसे बिना किसी ट्रैफिक रुकावट चलाने के लिए 26 पुल बनाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका काम दिवाली के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, जिसे 24 महीने में बना तैयार किया जाएगा। इसका ग्राउंड पर काम जनवरी 2022 से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ कानपुर के बीच दूरी कम हो जाएगी और ज़्यादा फ्लाईओवर पुल और सर्विस लेन बनाने से इस पर ट्रैफिक के डिस्टर्बेंस नहीं होगा। गांव के नज़दीक इसे ऐसी डिज़ाइन करके निकाला जाएगा जिससे गांव के लोगों को इस रोड पर चलने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों से कोई भी समस्या ना हो। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ से कानपुर के 63 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए लगभग 4,733 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। साथ ही आपको बता दें, नवंबर 2021 से शुरू होने वाले इस काम को साल 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा छोटी बाजार और अन्य बाजारों को देखते हुए पुल बनेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों की करीब 400 हेक्टेयर जमीन ली गई है। मुआवजा उन्हें 900 करोड़ रुपए तक बांटे जा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।